Hello everyone and welcome to Jobs Adda. I hope you all are well and safe at your places. Students, welcome to this lecture series of cooperatives. Okay, students, in the previous video we have discussed the cooperative principles. Before that, I have introduced you to the history and development of cooperatives in India. ठीक है, अब उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे. अब मैंने उस दिन आपको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे उसके बाद इंडिया में भी कोऑपरेटिव्स आते हैं, और इंडिया में भी कोऑपरेटिव्स आने का जो मेन रीज़न रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रहा है. ठीक है, तो आज यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एक्चुअली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस. ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि अभी हमने ये जो डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव्स की, ये दो उसमें देखनी है, दो पार्ट्स में देखनी है, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, और इसको मैंने आपको स्टेजेस में बांट दिया है सो दैट कि उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप याद रख सको. ठीक है, टोटल बिफोर इंडिपेंडेंस के देर आर फाइव स्टेजेस. ठीक है, मैंने इसको फाइव स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है. सो बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो आपको उस दिन मैंने बात बताई थी कि ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरीज में ही इंडिया में भी जो है कोऑपरेटिव्स की इंट्रोडक्शन हो जाती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. और सबसे पहले जो कोऑपरेटिव्स की मांग है ये आपने याद रखना है, इंडिया में सदर्न इंडिया से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो जब आप सदर्न इंडिया की बात करते हो तो सदर्न इंडिया मतलब कि मद्रास, सबसे पहले जो है मद्रास में जो कोऑपरेटिव्स है वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है आता है. ठीक है, अब मद्रास में उस कैसे आया, क्या हुआ, उससे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं. अब फर्स्ट स्टेज ऑफ जो कोऑपरेटिव्स है यहाँ पर, दैट इज़ 1904 टू 1911. ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मद्रास में आया, आपको मैंने बताया था कि उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश रूल होता था, और ब्रिटिशर्स के टाइम पर देर वर नॉट यू नो स्टेट्स नहीं होती थी उस टाइम पर, प्रॉपर प्रेजिडेंशियल रूल होता था. तो प्रेजिडेंशियल रूल जब होता था तो उसमें क्या था कि प्रेजिडेंसीज थी, तो अलग अलग प्रेजिडेंसीज के अपने अपने कर्नल जनरल्स होते थे और वो फिर अपनी अपनी प्रेजिडेंसी को देखते थे. तो उस टाइम पर ड्यू टू एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऊपर से ड्रॉट्स एंड फेमाइंस ने इंडिया की जो जो हालत थी उसको और वर्स कर दिया था. तो उससे उभरने के लिए, उसको दूर करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी ने सर फ्रेडरिक निकोलसन को जो है वो भेजते हैं कोऑपरेटिव्स पढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड में, कि आप जाइए और जाकर देखिए कि जो कोऑपरेटिव्स है बाकी वर्ल्ड में कैसे बनी, क्या हुई, पूरी रिपोर्ट सबमिट करिए. तो जब वो निकोलसन इंडिया आते हैं, सर निकोलसन, तो जब वो आते तो वो बताते हैं कि भाई पूरा वो रिपोर्ट लेके देते हैं कि भाई वर्ल्ड में कैसे कैसे कोऑपरेटिव चल रहे हैं, क्या होता है कोऑपरेटिव्स, कैसे हम इसको इंडिया में लागू कर सकते हैं, तो वो सब वो वहाँ पर बताते हैं. तो वो मेन चीज़ जो उसमें बताते हैं दैट इज़ रफेशियन मॉडल. वो कहते हैं इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो रूरल एरिया है, अगर हमें उसको डेवलप करना है तो उसके लिए वी नीड क्या, रफेशियन मॉडल. अभी हमने प्रिंसिपल्स में दोनों पढ़े हैं, रफेशियन भी पढ़ा है और डीलिश मॉडल भी पढ़ा है. तो उसी के बाद जब जैसे ही वो ये चीज़ बताते हैं 1837 में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉरी 1897 में वो ये चीज़ बोलते हैं कि भाई रफेशियन को फॉलो करो, ये करो, फिर उसके बाद एक एक्ट निकलता है. ठीक है, अब वो जो एक्ट निकलता है जिसको हम एक्ट ऑफ 1904 कहते हैं, वो एक्ट क्या है, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. ठीक है, ये फिर जो है एक एक्ट निकलता है, एक्ट ऑफ 1904, जिसका नाम क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. अब ये जो एक्ट आता है ये ऑल ओवर द जो इंडिया है वो उसके लिए एक्ट आता है. ठीक है, कि पूरे इंडिया में जो है ये जो एक्ट है इसको लागू किया जाए, और जहाँ जहाँ एरियाज में इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ इसको जो है फॉलो किया जाए. तो 1900 जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हमने यही एक्ट पढ़ना है. ठीक है, कि 1904 में फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में जो कोऑपरेटिव्स आता है विद द ऑफिशियली एक रिकॉग्निशन मिलती है कोऑपरेटिव्स को, दैट इज़ इन 1904. अब क्या है वो एक्ट, उसके क्या फीचर्स हैं, वो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं.
ठीक है, चलो ये भी मिट गया, कोई नहीं। हाँ, क्या कहता है ये एक्ट कि कोई भी 10 पर्सन, कोई भी 10 लोग एक सेम विलेज के या एक टाउन के। अब ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि ये जो एक्ट आया है ये अर्बन एंड रूरल दोनों के लिए कॉमन आया है, ठीक है। ये एक्ट ऑल ओवर द इंडिया अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के लिए कॉमन आया है। इसके अंडर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद रूरल और अर्बन एरियाज में उसको कैसे फॉलो करना है वो उसके अंडर है। मगर जो ये एक्ट है इट इज़ कॉमन फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पीपल। तो क्या बोला गया, कोई भी 10 लोग सेम विलेज या सेम टाउन के जो हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है वो कोऑपरेटिव यूनियन बना सकते हैं, एक एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर वही चीज़, देखो सेम चीज़ मैंने बोला ना, इसके अंडर अलग है, दोनों के लिए कॉमन चीज़ें हैं मगर उसके अंडर क्या अलग है, देखो सेम रूरल एरियाज में जो लिमिटेड जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। इस एक्ट ने भी ये चीज़ बोली कि रूरल एरियाज में भी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहेगी, वेयर एज अर्बन एरियाज में जो लाइबिलिटी है वो कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब एक चीज़ और आप याद रखो, ये जो 1904 का एक्ट आया है इंडिया में, ये कौन सा एक्ट आया है। एक्ट तो हमने बोल दिया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904, तो ये जो एक्ट है एक्चुअल में ये किसके लिए है, क्रेडिट सोसाइटीज के लिए है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले जब कोऑपरेटिव्स आता है तो वो कौन से सेक्टर में आता है, वो एज अ क्रेडिट सोसाइटी आता है, ठीक है। इंडिया में पहले कोई जनरल कोऑपरेटिव ग्रुप नहीं बनता है, सबसे पहले जब इंडिया में कोऑपरेटिव आई ये ड्यूरिंग दिस एक्ट ऑफ 1904, तो ये एक्ट किसके लिए था, क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए था। तो एक क्रेडिट सोसाइटीज़ के रूप में जो है इंडिया में कोऑपरेटिव आती है। अब आप क्रेडिट सोसाइटीज़ बार बार पढ़ते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अगर मैं इसको सिंपल आपको समझाने के लिए लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, आप भी इसको ऐसे दिमाग में रखो, दैट इज़ कि फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है जो कोऑपरेटिव है वो बैंकिंग सेक्टर में आया। तो क्रेडिट सोसाइटीज क्या थी, बैंक्स ही तो थे, है ना, बैंक्स ही तो थे कि कुछ लोग मिलकर उनके पास जितना भी पैसा या शेयर्स या रिसोर्सेज थे वो उसको उसमें डाल देते थे, सो दैट कि अपनी भी हेल्प हो और लोगों की भी हेल्प हो, ठीक है। तो ये क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट था, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट था, और इसमें क्या था, क्रेडिट सोसाइटीज बनने का एक्ट था, ठीक है, कि कोई भी क्रेडिट सोसाइटी बन सकती है, 10 पर्सन लोग बना सकते हैं उसको ऑफ द सेम विलेज या टाउन। दूसरा क्या था, रूरल में वही अनलिमिटेड रहेगी और अर्बन में लिमिटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या था, कॉपरेशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज जो रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, बल्कि इसमें आप जो है अपनी क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो बना सकते हो। उसके बाद मेन यहाँ पर जो पॉइंट रहा है, अब हमने बोला था, अब आपने पहले भी जब प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी है कि उन्होंने क्या बोला था कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशल्स एंड कमेटी, ठीक है। अब जब भी कोई ग्रुप बनता है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर को अलग अलग काम सौंपा जाता है, तो वही जो कमेटी मेंबर्स हैं या वही जो कमेटी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी उस कमेटी में बनाए जाएंगे कि भाई क्या है क्या है। तो हर क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए इस एक्ट में एक प्रोविज़न दिया गया कि रजिस्ट्रार्स की जो है वो अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। अब रजिस्ट्रार आपकी पोस्ट क्या है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसका डिफरेंट काम है, तो ये रजिस्ट्रार है। तो एक्चुअल में उस टाइम पे असिस्टेंट या ऐसे रजिस्ट्रार्स नहीं थे, सिंपल एक रजिस्ट्रार की जो उन्होंने वहाँ पर प्रोविजन दिया था। तो रजिस्ट्रार का उस टाइम पर काम क्या था, रजिस्ट्रार का ये काम था कि कोई भी अगर क्रेडिट सोसाइटी का अपना जो है वो लेकर आते हैं कि भाई हाँ हमने क्रेडिट सोसाइटी बनानी है, अपना जो भी जिस्ट वो लेकर आते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं, तो रजिस्ट्रार का काम था कि वो क्रेडिट सोसाइटीज़ को अच्छे से परखे, उसको अच्छे से चेक करे कि क्या ये जेन्युइन क्रेडिट सोसाइटी है, क्या इन्होंने प्रॉपर जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया है, क्या इनका इनके जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉपरली कोऑपरेटिव्स की नॉलेज है, और फिर उसके बाद क्या कि क्या ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, क्या ये इकोनॉमिकली जो है इसको कंट्री को या एरिया को हेल्प करेगी उसको डेवलप करने में। तो ये सारे पैरामीटर सबसे पहले रजिस्ट्रार जो था किसी भी क्रेडिट सोसाइटी का उसको चेक करता था, उसके बाद किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करता था, ठीक है, कि हाँ भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है हमारे इस एक्ट के अंडर,
ठीक है, तो एक एक आप बोल सकते हो ये एक लेजिस्लेशन मतलब बनना स्टार्ट हो गई। लेजिस्लेशन क्या होगी कि इनके एक प्रॉपर रूल्स बनने लगे, रेगुलेशन बनने लगे, इनके लिए प्रॉपर एक्ट्स आने लगे कि भाई इसके अंडर आपने यहाँ पर काम करना है। तो अब क्या था कि कोई भी आप सोसाइटी बनाओगे, क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाओगे, तो आपको उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और वो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। और रजिस्ट्रार ने क्या पैरामीटर्स देखने हैं? जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। तो वो सारे पैरामीटर्स वो चेक करेगा, देखेगा, परखेगा, फाइल को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो क्रेडिट सोसाइटीज़ को क्या करेगा? रजिस्टर करेगा, ठीक है। अब जब रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो उसमें नो रजिस्ट्रेशन फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, ना ही कोई स्टैम्प ड्यूटीज होंगे, ठीक है। तो दीज वर द फ्यू फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1904, दैट इज क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये एक्ट के फीचर्स से, अब मैंने आपको क्या बोला कि ये होली सोली किसके लिए था? क्रेडिट सोसाइटीज के लिए था, ठीक है। ये जो एक्ट था किसके लिए था? क्रेडिट सोसाइटीज के लिए था, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज के लिए था, और जनरल कोई भी क्रेडिट सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी के लिए नहीं था। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे? देखो क्या होता है जब आप कुछ चीज़ बनाते हो, अब देखो डेवलपमेंट्स क्यों आती हैं किसी चीज़ में? डेवलपमेंट किसी भी चीज़ में इसलिए आती है कि जब तक वो चीज़ परफेक्टली ना चले, जब तक वो चीज़ परफेक्ट ना हो, तब तक उसके अंदर फिर अमेंडमेंट्स होती हैं, पिछले के ड्रॉबैक्स आते हैं, आप पहले वाले के ड्रॉबैक्स से एक्सपीरियंस लेके आगे नई वाली चीज़ को अच्छा बनाते हो, तो इसीलिए डेवलपमेंट्स आती जाती है। और मैंने आपको बोला ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बार में आप जो चीज़ बनाओ वही चीज़ चलती रहे। अब रॉस्टेल प्रिंसिपल्स अपने टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट थे, मगर बाय द टाइम आते आते जैसे सिचुएशन बदलती गई, वर्ल्ड चेंज होता गया, डेवलप होता गया, तो जो नीड्स थी वो भी बदलती गई, तो इसीलिए वो प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन जो है उनको भी अमेंड करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी के दौरान जो है डेवलपमेंट्स आती हैं। तो इंडिया में तो अभी स्टार्ट ही था, तो पहला जो एक्ट आया वो सिर्फ क्रेडिट को लेकर आया, तो हम खाली कोऑपरेटिव क्रेडिट को लेकर तो सीमित रह नहीं सकते थे, तो इसीलिए इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या था कि नो लीगल प्रोटेक्शन टू सोसाइटीज अदर देन क्रेडिट, मतलब ठीक है क्रेडिट सोसाइटीज जो भी बनेंगी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट के अंडर, मगर उन सोसाइटीज का क्या जो क्रेडिट सोसाइटीज नहीं है, जो जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, मतलब जो किसी और फील्ड की सोसाइटीज हैं, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो वर्कर्स है, चाहे वो स्किल्ड पीपल है, लेबर है, जो उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका क्या? तो उनके लिए कोई भी लीगल प्रोटेक्शन इस एक्ट में नहीं थी, क्योंकि इस एक्ट का जो मेन जो टारगेट एरिया था वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया वाज आर्बिट्रेरी, इट वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या था, इंडिया उस टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, ना ही इंडिया में प्रॉपर जो स्टेट्स जो थी वो सब थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स का टाइम था। तो इस टाइम में क्या होता था कि किसी भी एरिया को जो है जनरली आप अर्बन के अंदर डाल देते थे या आप रूरल के अंदर डाल देते थे, तो इसकी वजह से क्या होने लगा, तो जो जेन्युइन एरिया के पीपल थे, जो जेन्युइन सोसाइटीज थी, वो इसमें एक्सक्लूड हो जाती थी, ठीक है। तो मतलब कोई भी क्लासिफिकेशन अगर बोलनी पड़े, जैसे मतलब अपनी मर्जी से क्लासिफिकेशन करते थे, चाहे मेरा मन चाहे तो मैं आज जम्मू को रूरल कर दूँ तो मैं किसी और को अर्बन कर दूँ, तो ऐसे उस टाइम पर ऐसे मुंह बोली जो है क्लासिफिकेशन की जाती थी रूरल और अर्बन के वजह से। तो उसमें क्या होता था, डिफरेंस तो आता ही था, क्योंकि रूरल के लिए अनलिमिटेड है और अर्बन के लिए लिमिटेड है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती थी। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आती है तो उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इस स्टेज में जो मेन 1904 टू 1911 तक मेन जो है इसी एक्ट के ऊपर काम हुआ, और नंबर ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज जो थी यहाँ पर आई और उन्होंने रजिस्टर्ड किया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, इन्हीं ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखते हुए नया एक्ट आएगा, ठीक है, और फिर वो इन ड्रॉबैक्स को फुलफिल करेगा। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज 1912 टू 1918, दिख रहा है, हाँ 1912 टू 1918। अब ये पीरियड कौन सा था? ये पीरियड था पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है।
कोऑपरेटिव्स में क्या हुआ, पहले में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई, 1904-18 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुई. अब ये वाला जो पीरियड है इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सपेंशन हुई, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, दे हैव रीच टू देयर हाइट्स, उन बहुत ज़्यादा मतलब फेमस होने लगी, लोगों को पता चलने लगा, बहुत सारे लोगों कोऑपरेटिव फील्ड में काम होने लगा. तो इसमें क्या था कि अब इसमें एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1912. सिंपल इसमें नाम है इसका एक्ट ऑफ 1912. अब इसमें जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्ट ऑफ 1912. अब यहाँ पर जो एक्ट ऑफ 1912 आता है वो क्या करता है, वो जो एक्ट ऑफ 1904 है उसमें से क्या लेता है, ड्रॉबैक्स की एक्सपीरियंस लेता है, तो उनको फुलफिल करता है. तो क्या था उसमें, क्या था, सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ जो थी वो ही रजिस्टर हो सकती थी. इसमें क्या था, एनी सोसाइटी अदर देन क्रेडिट कैन बी रजिस्टर्ड. कोई भी सोसाइटी जो क्रेडिट सोसाइटीज़ भी नहीं है, जनरल सोसाइटीज़ हैं, वो भी इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हो सकती थी. ठीक है, फिर अनलेस डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, रूरल विल बी अनलिमिटेड, विल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अर्बन विल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. अब इसमें क्या था, देखो, अनलेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या बोला, उस टाइम पर प्रेजिडेंशियल रूल्स होता था, ठीक है, प्रेजिडेंसीज होती थी. तो क्या हुआ कि हर प्रेजिडेंसी के अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस होते थे. जैसे आपको पता है टिल आर्टिकल 370 हमारे इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर के भी अपना लेजिस्लेशन था, है ना, यही था. तो यही चीज़ हुई कि उस टाइम पर हर स्टेट का अपने रूल्स रेगुलेशन थी, वो अपने रूल्स रेगुलेशन पर काम करती थी, कोई जनरली ऐसा सेंट्रली कोई चीज़ नहीं चलती थी. तो जब तक आपकी स्टेट ना बोले उसके बिना, मगर अगर आपकी स्टेट ने वो मंजूर किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसके बिना तभी भी जो रूरल था वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ में ही रहेगा और जो अर्बन है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में ही रहेगा. अगर आपकी स्टेट ये चीज़ नहीं मानती है, वो कहती है कि नहीं भाई रूरल को भी लिमिटेड करो, अर्बन को भी लिमिटेड करो, तो ठीक है. ठीक है, वही चीज़ बोली कि अनलेस डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक आपकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलती है तब तक सेम रहेगा क्या, रूरल अनलिमिटेड और अर्बन लिमिटेड लाइबिलिटीज रहेंगी. ठीक है, फिर क्या हुआ, 1/4, इट इज इंपॉर्टेंट, 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी रिजर्व्ड. ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा, इट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, अगर ये क्या था, पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा जो कोऑपरेटिव्स थी वो डेवलप हो रहे थे, सक्सेसफुल हो रहे थे और बहुत ज़्यादा कैपिटल भी जनरेट हो रहा था, वेल्थ आ रही थी. अब उस वेल्थ का अच्छे से प्रॉपरली यूज़ हो, इसलिए उन्होंने बोला कि 1/4 ऑफ द नेट, ज़्यादा नहीं रखा उन्होंने बोला, 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट जो था वो किस में जाएगा, रिजर्व फंड में जाएगा. ठीक है, इसी के साथ ड्यूरिंग दिस पीरियड मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ जो थी उसका कॉन्सेप्ट भी आता है. अब मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ क्या होती हैं, मैंने क्या बोला, क्रेडिट सोसाइटी होगी जो पैसे देंगी, फाइनेंशियल हेल्प करेंगी. ठीक है, मगर मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ क्या थी, ये वो सोसाइटीज़ थी जो क्रेडिट भी देती थी लोगों को, जो लोगों के और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती थी. मतलब एक ही सोसाइटी मगर डिफरेंट डिफरेंट काम करती थी. ठीक है, तो मल्टीपर्पज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें उस टाइम पर ड्यूरिंग दिस पीरियड आता है. और सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पर जो इम्पॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, दैट इज़ हाउसिंग. ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पीरियड में इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ स्पेशली इन बॉम्बे. आपको पता है बॉम्बे में जो है सबसे पहले जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग आती है, जैसे इन द नेम ऑफ चोल्स, है ना, चोल्स या चॉल्स होते हैं ना उसमें बॉम्बे में. आपको पता है वो जो एरिया जहाँ पर छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रहते हैं विद वेरी मिनिमम रेंट्स की, जो लोग बेचारे अपनी अपने उनके पास इतना नहीं है कि वो अपना घर बना सकें या कुछ कर सकें, उनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, तो वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग भी बनाई जाती है. सी, इंडिया जो है has remained a very poverty country. ठीक है, तो इंडिया ने बहुत गरीबी देखी है, तो उस टाइम पर हर इंसान के पास घर होना was not impossible. तो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग के आने से उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. ठीक है,
क्योंकि जो लोग झुग्गियों में रहते थे उस टाइम पर, कच्चे मकानों में रहते थे, या वो तो फिर वो बारिशों पहाड़ों उसमें तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग का अंडर मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ कॉन्सेप्ट में बॉम्बे में कोऑपरेटिव हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट भी जनरेट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, पीरियड ऑफ एक्सपेंशन था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी वो आ रही थी, बढ़ रही थी, रजिस्टर हो रही थी और बहुत डेवलपमेंट भी हो रही थी। उस दौरान क्या होता है, एक मैकलेगन कमेटी होती है। ठीक है, एक जो जो उस टाइम के जो रूलर्स थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो एक कमेटी बनाते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर मैकलेगन। वो क्या करते हैं, वो इनको बोलते हैं कि भाई आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे हमें रिपोर्ट सबमिट करो, जिसमें आप बताओ कि अब जो एक्सपेंशन चल रही है कोऑपरेटिव्स की, तो उसमें क्या गड़बड़ चल रही है या क्या हो रहा है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला था कि बहुत सारी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बन चुकी हैं जो फ्रॉडलैंड्स हैं, या जो जो कैपिटल जनरेट कर रही हैं, अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर रही हैं, मगर वो लोगों के काम पर नहीं आ रहा। देखो ऑब्वियसली हर जगह करप्शन तो हमेशा से रही रही है। अगर कोई फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो उसके अंदर हर चीज़ जेन्युइन नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ्रॉडलेंट्स भी दिखेंगे। आपको पता है वो ठग्स होते हैं जो अपने वो बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, या कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं ना, जो जैसे क्या बोलते हैं उनको, जो होती हैं फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करो इतने में लाओ, तो वो फ्रॉडलेंट्स होती हैं। तो कल को देखा वो भाग गए, भगोड़ा हो गए। तो सेम इज वॉज द केस एट दैट टाइम कि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी भी बनी जो फ्रॉडलेंट्स थी। तो उन्होंने बोला कि वो लोगों का पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो बहुत जो जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो रजिस्ट्रार है उसको ये बोला गया कि आप बहुत अच्छे से कीनली जो है ऑब्जर्व करो रजिस्ट्रेशंस को, जिन भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आप रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, तो ये पीरियड में ये सब चीज़ें होती हैं विद द एक्ट ऑफ 1912। ठीक है, ये कौन सा था, द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। अब क्या होता है इन द थर्ड स्टेज। ठीक है, अब थर्ड स्टेज पे आते आते क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो दिस इज़ द पीरियड ऑफ अनप्लान्ड एक्सपेंशन। पहले वाले पीरियड में प्लान्ड एक्सपेंशन थी क्योंकि आपने एक्ट लाया, उस एक्ट के ज़रिए आप चाहते थे कि इस कोऑपरेटिव में डेवलपमेंट हो, मगर इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में अनप्लान्ड एक्सपेंशन, मतलब ना चाहते हुए भी, मतलब अनएक्सपेक्टेडली जो है कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव जो फील्ड है वो बढ़ गई, उसमें डेवलपमेंट हुई। अब उसमें डेवलपमेंट कैसे हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, एंड यू नो कि कभी भी कोई भी जब वॉर होती है ना, कभी भी जब कोई भी वॉर होती है तो वॉर के बाद जो सिनेरियो होता है, कंडीशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, एक छोटी से छोटी खाने से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ तक जो है लोगों को लेना जो है वो अफोर्डेबल नहीं होता। वन सेकेंड, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब पोस्ट वॉर जो सिनेरियो होता है वो हर बार जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। बट उस टाइम पर क्या हुआ, कोऑपरेटिव्स का फ़ायदा हुआ, क्योंकि कोऑपरेटिव्स का काम क्या था, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना, मिडिल मैन को हटाना। तो चीज़ क्या आती थी, अच्छी आती थी, क्वालिटी कैसी होती थी, अच्छी होती थी, और दाम क्या होते थे, प्राइस क्या होते थे, रिड्यूस होते थे। तो इस टाइम पर क्या होता है एक एक्ट आता है, रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919। रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919 पास होता है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें क्या होते हैं पोस्ट वॉर जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं उसके दौरान जो है बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, किसमें, कोऑपरेटिव्स में। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो फ़ायदा उठाती हैं इस चीज़ का कि जो चीज़ें बढ़ गई, रेट बढ़ गया, तो उसमें लोगों को अच्छी चीज़ मिल सके और उनके कम दाम पे मिल सके, जिन पे उनकी सेल्फ हेल्प भी हो और म्यूचुअल हेल्प भी हो। ठीक है, फिर इसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारी स्टेट्स, ठीक है, मेनी स्टेट्स पास देयर एक्ट्स। अब बहुत सारी स्टेट्स अपनी स्टेट की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मेरी स्टेट के लोगों को, मेरी प्रेसिडेंसी के लोगों को क्या नीड्स हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको दिमाग में रखते हुए बहुत सारी स्टेट्स जो हैं अपने जो हैं वो एक्ट्स जो हैं उनको पास करती गई। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ बॉम्बे सबसे पहले आता है, इनका अपना बॉम्बे का अपना एक्ट था। इस सोसाइटी, इस एक्ट के अंदर उनके अपनी रिक्वायरमेंट और नीड्स के अंदर इन्होंने चीज़ें रखी इन 1925। फिर मद्रास अपना एक एक्ट पास करती है इन 1952, और ओडिशा करती है इन 1935।
ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती, ये जो अपने डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट्स हैं वो स्टेट करती है। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक चीज़ यहाँ याद रखनी है, ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, आज भी जो ये कॉन्सेप्ट है, इट ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। जो आज भी जो कोऑपरेटिव्स हैं, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, नॉट अ सेंटर सब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज़ को आपने अभी भी हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन आपको, ये जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव जो है वो कैसा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है कि क्या ये सेंटर सब्जेक्ट है। अब क्या होता है स्टेट सब्जेक्ट, क्या होता है सेंटर सब्जेक्ट, सुनो। देखो, स्टेट सब्जेक्ट होता है, मैंने क्या बोला, हर स्टेट अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के साथ अपने अपने एक्ट्स निकाल रही है, ठीक है। अब जब सेंट्रल सब्जेक्ट होता तो मतलब सेंट्रली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर ये सारी चीज़ें होती, ठीक है। जैसे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हमारा फाइनेंशियल जो भी सेक्टर है वो हमारा सेंट्रली चलता है। जो सेंटर में बिल पास होते हैं वो फिर पूरी स्टेट्स में जो हैं वो लागू होते हैं। मगर स्टेट सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो हर स्टेट के अकॉर्डिंगली अपनी स्टेट अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोऑपरेटिव्स जो है वो इंडिया में आज तक इतना ज़्यादा हाइट पर नहीं पहुंच सका, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया को अगर हम साइड पे रखें, अगर हम जे एंड के की बात करें, यू ऑल नो कि जो चीज़ें एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो भी बिल जो हैं जब सेंटर में पास होते हैं उसके बाद अलग से हमारी स्टेट में जो है टिल 370 जो था आर्टिकल वो पास होता था, हमारी स्टेट के अपना लेजिस्लेशन था, हमारी स्टेट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे। तो 370 के होने के बावजूद क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में ऐसी डेवलपमेंट हो गई जो जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकी। तो जम्मू कश्मीर में आज जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो पता भी नहीं है, ना के बराबर है किसी को, 1% भी कोऑपरेटिव सेक्टर जो है जो इंडिया का वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो उसका जो मेन रीज़न ये रहा है, दो, एक तो कोऑपरेटिव वैसे भी स्टेट सब्जेक्ट है आज भी, और स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से जम्मू में वैसे भी आर्टिकल 370 था, हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से लेजिस्लेशन था, जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव है वो आज भी इतना जम्मू कश्मीर में जो है वो डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। हाँ, 2011 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ज़रूर दिया गया है, मगर स्टिल इट इज़ नॉट अ सेंटर सब्जेक्ट, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। हर स्टेट अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के साथ जो है अपने कोऑपरेटिव्स को बनाती है, एक्ट्स फॉलो करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज में अब क्या था, द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सी, ग्राफ कैसा होता है, अगर आप एक बार एक पॉइंट पर पहुंच जाते हो उसके बाद आपको नीचे आना ही पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ जिसका एक अपर पॉइंट है तो उसका लोअर पॉइंट भी है। अब इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपेंशन के बाद, हाइट्स लेने के बाद जो ये इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी वो फेल हो गई। अब ये पीरियड क्या था, डाउनफॉल का पीरियड था। अब डाउनफॉल का पीरियड क्या हुआ, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। इस पीरियड के बीच में एक, अब आपने ये जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 क्या था, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक जो जीडीपी जो ग्रोथ थी, जो डेवलपमेंट ग्रोथ था या जो भी था, वो बहुत नीचे चला गया था। जो हमारे इकोनॉमिक जो आउटकम्स और रिजल्ट्स थे वो बहुत कम थे। और इसी ग्रेट डिप्रेशन के बाद यू ऑल नो कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है, क्योंकि इंडिया में भी उस टाइम पे रिजर्व फंड्स रखने का फ़ायदा नहीं था ये प्रोविज़न। तो उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 के बाद 1931 में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट होती है, दैट यू ऑल नो। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा एक ये होता है कि आरबीआई की जब एस्टेब्लिशमेंट होती है तो आरबीआई में एक डिपार्टमेंट बनता है, किसका, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ठीक है।
आरबीआई में एक डिपार्टमेंट बनता है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट का काम क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, ठीक है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखा जाए, उनको सुना जाए और फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट नीड्स हैं उनको फॉलो किया जाए, मतलब जो भी उनको फाइनेंशियली चाहिए हेल्प वो इसमें उनको मिलती थी, ठीक है। बट हुआ क्या, डिप्रेशन के बाद इसका सेटबैक क्या था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी वो एक्चुअल में इस टाइम पर फेल हो गई थी, मतलब इस टाइम पर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वो फेल हो गई थी, ना कोई क्रेडिट था ज़्यादा ना कुछ था, क्योंकि इकोनॉमिक जो थी हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, डिप्रेशन के फेज़ में जो था वो इंडिया चल रहा था। अब उसमें क्या हुआ, जब डिप्रेशन के फेज़ में जा रहा था तो लो प्राइस एग्रीकल्चर गुड्स का हो गया था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के जो चीज़ें इक्विपमेंट जितनी भी थी वो लो प्राइस पर जो है वो जा रही थी, जिससे क्या हुआ था कि जो किसान थे वो जो भी लोग थे वो अपने क्रेडिट रीपे नहीं कर पा रहे थे, अपने लोन्स को जो है वो नहीं वापस दे पा रहे थे। तो इस दौरान क्या होता है, अब पैसा तो नहीं है ना, कि क्रेडिट सोसाइटीज़ में क्या था कि पैसे के बदले पैसे, कैश ट्रेडिंग करो, तो इस दौरान क्या होता है, लैंड मॉर्टगेज सिस्टम जो है वो आता है। अब लैंड मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना, तो इस टाइम पर अब लोगों के पास पैसा नहीं था कुछ देने के लिए, मगर जीना तो था ना, खाना पीना तो था, सर्वाइव तो करना था, तो कैसे करते, तो लोगों के पास ज़मीनें होती थी। एंड यू ऑल नो कि इंडिया हमेशा स्टार्टिंग से एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री रही है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में हमेशा से स्ट्रांग रहा है, तो लोगों के पास ज़मीनें तो होती थी। तो इस दौरान क्या करते थे लोगों ने, लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है वो स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी ज़मीनें देना स्टार्ट कर दिए, ऐसा बैंक जो लोगों की ज़मीनें गिरवी रखता था और उसमें से फिर उनको बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफ़िल करता था। तो सबसे पहला लैंड मॉर्टगेज सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश हुआ 1920 में एट जंग इन पंजाब। पंजाब में एक जगह है जंग, वहां पर सबसे पहला लैंड मॉर्टगेज बैंक बनता है इन 1920, ठीक है। अब 1929 में जब ये जो लैंड मॉर्टगेज सिस्टम है जो पंजाब वाला, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, उससे थोड़ी सी रिकवरी होने लगती है, तो फिर सेंट्रली भी एक बैंक खुलता है, लैंड मॉर्टगेज बैंक इन मद्रास इन 1929। तो 1929 में एक सेंट्रल, मतलब पूरे इंडिया का एक लैंड मॉर्टगेज बैंक बनता है इन मद्रास, ठीक है। तो ये जो पीरियड था वॉज कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका अभी हम सेटबैक से गुजर रहे थे, डिप्रेशन के सेटबैक से गुजर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे अपने आप को दोबारा से, जो इंडिया जो है वो ज़ीरो से शुरू कर रहा था, ठीक है। विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये जो स्टेज थी, इस स्टेज में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो दोबारा न्यू हाइट्स पे आ जाती है। क्यों? बिकॉज इस स्टेज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ रिकवरी। अब जो डाउनफॉल आया था उसमें रिकवरी होकर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो दोबारा जो है न्यू हाइट्स अचीव कर रहा था। अब कैसे हाइट्स अचीव कर रहा था, फिर इस स्टेज के आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है, तो आपको पता है पोस्ट वॉर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं, वही चीज़, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, फिर उसमें काम आते हैं कोऑपरेटिव्स का। तो इसमें ड्यूरिंग द जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसमें जो था कोऑपरेटिव्स को बहुत फ़ायदा हुआ, उन्होंने इतना क्रेडिट गेन किया कि उनके जितने भी ओवरड्यूज थे, उनके जितने भी लोन रहते थे, क्रेडिट्स रहते थे, वो सारे जो सारे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने इतना वेल्थ इकट्ठा कर लिया कि जो भी फार्मर्स वगैरह थे वो उन सब ने अपना जो भी लोन से ओवरड्यूज थे वो कर दिए। अब क्रेडिट सोसाइटीज़ में जो डिपॉजिट्स थे वो इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। अब हर किसी के पास ज़्यादा वेल्थ आ रहा था, वो डिपॉजिट कराई जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम इसमें और आ गई, वो क्या थी, हाँ, डिमांड ऑफ फ्रेश लोन जो थी वो भी डिक्रीज होगी, मतलब अब लोगों को लोन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उनका कोऑपरेटिव से अच्छा काम चल रहा था, ठीक है। फिर अब एक प्रॉब्लम इसमें ये आ गई कि वेल्थ जब ज़्यादा आने लगी, प्रॉफिट जब ज़्यादा होने लगा, तो सरप्लस फ्रंट हो गया, ठीक है। अब आपको बताया था कि रिजर्व फंड्स है ना, रिजर्व फंड्स एक अलग चीज़ है, सरप्लस फंड्स हो गया। जब सरप्लस फंड्स हो गया तो इनको इन्होंने बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज़ किया, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि अब हम डिप्रेशन से भी निकले हैं, हमें पता है कि क्या क्या सिचुएशन आ सकती है, प्लस हम वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर के पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी देख चुके हैं, तो इन्होंने ये जो सरप्लस फंड है इसको यूज़ किया कैसे, डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाकर,
ठीक है। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उन्होंने क्या की, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी वो बनाना शुरू कर दी। क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो थे उन्होंने बना दिए। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स क्या हो गए कि जो कंज्यूमर होते थे, जो कोऑपरेटिव से चीज़ें लेते थे, उनके लिए स्टोर बनाना शुरू कर दिए, उनके लिए और चीज़ें अपने स्टोर्स में ऐड करना शुरू कर दी। फिर इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव जो था वो आ गया, मतलब अब इंडस्ट्रीज में भी कोऑपरेटिव आ जाएगा। अब जो इंडस्ट्रियल का कोऑपरेटिव होता था, इसका काम क्या था, वॉर मटेरियल बनाना, ठीक है, क्योंकि वॉर उस टाइम पर प्रिवेलेंट थी, तो वॉर का मटेरियल बनाना अच्छे दामों में, सस्ते दामों में, मगर अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स भी आ गई और नॉन क्रेडिट सोसाइटीज एंड मल्टीपर्पज सोसाइटीज भी इन्होंने और बनाई। मल्टीपर्पज सोसाइटीज कहाँ पर सबसे पहले आई थी, बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुई थी, बट इसके बाद क्या हुआ, सेंट्रली पूरे ऑल ओवर इंडिया में नॉन क्रेडिट सोसाइटीज, मतलब खाली क्रेडिट सोसाइटीज के अलावा भी और बाकी जनरल सोसाइटीज भी बनने लगी और मल्टीपर्पज सोसाइटीज जो थी वो भी और बहुत ज़्यादा बनने लगी, ठीक है। तो ये फेज कौन सा था, पीरियड ऑफ रिकवरी का था, टिल 1947। और 1947 में आपको पता है फिर उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटिश रूल से। अब ब्रिटिश रूल के बाद जब गवर्नेंस जो है हमारे इंडियंस के हाथ में आती है, तो उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हिस्ट्री पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जे एंड के को लेके अब हम जब आगे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमने प्रॉपरली जे एंड के को दिमाग में रखकर चलना है, ठीक है। एंड दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग सीरीज नाउ, ठीक है। तो बी पेशेंट, आराम से चलेंगे, मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगी। मैंने आपको खाली 120 मार्क्स स्कोर नहीं करवाने हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंटरव्यू तक लेकर जाना है, मैंने आपका इंटरव्यू तक जो है उसको क्वालिफाई करवाना है। मैं नहीं चाहती कि वो आपको अलग से कोई क्वेश्चन पूछे और आप बिल्कुल वहाँ पर ब्लैंक हो जाओ, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।